नमस्कार, स्वामी संजय नारायण योगा ध्यान हेल्थ टिप्स में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो इंटरव्यू है वो है हमारे जीवन दादा बेलखेड़े, जो मुंगसाजी महाराज विद्यालय कारंजा के अध्यक्ष हैं। उनको जो प्रॉब्लम था उन्होंने अपॉइंटमेंट ली और सुबह आश्रम पर आ गए। सुबह आने के बाद मैंने उनका प्रॉब्लम सुना। उनको प्रॉब्लम था, बाथरूम में जलन थी बहुत, दो दिन से सो नहीं पा रहे थे और कमर और पेट का जो हिस्सा होता है जहाँ किडनी होती है उसका दोनों साइड से बहुत दर्द था। मैंने उनको सुबह आने के बाद योगा करवाया, जड़ी बूटी दी और दिन भर का रात तक का डाइट बैठा दिया, जो 3 दिन का प्रयोग था। इसमें संयोग ऐसे हो गया कि सुबह से जो ट्रीटमेंट शुरू की थी रात को 11 बजे उसने असर कर भी दिया। रात को 11 बजे उनको बाथरूम में फोर्स के साथ स्टोन गिर गया और उनको रिलीफ मिला और वो तुरंत अच्छे हो गए। कि अगर वो दवा खाने जाते थे तो पहले दर्द की गोलियां दी जाती थी, पहले चेकअप होता था, फिर दर्द की गोलियों से जब रिलीफ नहीं मिलता था सोनोग्राफी की जाती थी, सोनोग्राफी में जब स्टोन दिखता था तो फिर सर्जरी, मतलब लंबी प्रोसेस और बड़ा खर्चा इससे उनको गुजरना पड़ता। मेरा नाम जीवन बेलखेड़े है। मुझे दाई साइड में कमर में और पेशाब में बहुत हंगार हो रही थी, क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने स्वामी जी को कॉल किया कि वह ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा, तो फिर स्वामी जी ने बताया कि वह आश्रम मलकापुर के आश्रम पे आ जाओ। फिर मैं आश्रम पे गया तो स्वामी जी को मैं 10-15 साल से जानता हूँ। स्वामी जी ने फिर बताया, उन्होंने उनका डाइट वगैरह दिया, उसके बाद में उन्होंने ये दवाई वगैरह दिया, जड़ी बूटी दिया, तो उससे बहुत रिलीफ मिला। दिन भर कुछ अच्छा लग रहा, अच्छा रहने के बाद में शाम को फिर से और दर्द चालू हो गया। फिर दर्द इतना हो रहा था कि क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने स्वामी जी को कॉल किया रात को, तो स्वामी जी बोले कि ठीक है, बोले कुछ नहीं होता, बोले टेंशन मत लो, बोले हो जाएगा, बोले अच्छे से। फिर मैंने फिर बाद में फिर बाथरूम गया, यूरिन का बहुत फोर्स आया, फोर्स आने के बाद में फिर वो यूरिन के साथ में बाहर गिर गया यूरिन स्टोन, तो फिर तब से बहुत रिलीफ मिल गया, कुछ भी दर्द नहीं है, तो अभी अच्छा हूँ मैं। मेरा वजन 84 kg था, इस 10 दिनों में मेरा 12 kg कम हुआ है। जो स्वामी जी ने योगा वॉक और डाइट लेने का बोला है उसे मैं फॉलो कर रहा हूँ, उसके लिए स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।